हरामी मेरा सामान नहीं उठाती, पर ये हरामी जब मेरे सबको नहीं उठाने को दे तेरा सामान। तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे आते हो भी? तो आज हम लोग फर्स्ट टाइम दोनों बहुत लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं। इतनी भी लंबी ट्रिप नहीं है, बट मैं खुद गाड़ी चला के इसको इतने मुंबई जा रहे हैं। हाँ, सूरत से मुंबई। yes. बट ये फर्स्ट टाइम है, सो मैंने सोचा कि हम ब्लॉग बनाते हैं। हाँ, दोनों मतलब दोनों अकेले जा रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि हम ब्लॉग बना देते हैं, तो आपको भी मजा आएगा और हम दोनों भी बातें करते करते आपको बता के बहुत टाइम हाँ, के बाद हम लोग मिले हैं, तो और भी हाँ, कुछ बताना है बाद में बताते हैं। हाँ, और भी कुछ बताना है बट गाड़ी में चल के बताते, तो निकलते हैं अभी, टाइम हो रहा है, तो अभी नीचे गाड़ी में सामान रखना है। रखा नहीं अभी तक। वाह रे वाह, ये इतना काम चोर है ना, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। हाँ, तो अभी गाड़ी में सामान वामान रखेंगे, फिर निकलेंगे बॉम्बे के लिए। चलते, बाय नीता शिलिमकर। बाय नीता शिलिमकर, नहीं ये बैग पकड़, हमेशा का नाटक। वो तेरा काम है, हमरा नहीं। हमरा तुमरा मत कर, हमरा इसके नहीं घर वालों को भी पता है कि ये ना हमेशा बैग नहीं उठाता। अभी उसके बेडरूम से इसके बेडरूम से सब सामान मैंने ही भर। मैं ऐसे सबको पता है, अगर मेरा ब्लॉग देखते तो मैं कभी मेरा सामान नहीं उठाती, पर ये हरामी जब मेरे साथ सबको नहीं उठाने को देते तेरा सामान नहीं उठाता ना, करो ना। पर जब ये मेरे साथ होता है तो मुझे बहुत जबरदस्ती करते हैं। गुजराती में बोलता, मैं टेंशन ना लो, हूँ चलाई लेस। तुम्हें क्या है कि तुम्हें टेंशन ना लो तो मैं चला लीस। चलो बाय 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 बाय। लोगों ने एम कहे कि तुम्हें चलो। बाय मम्मी। ये हमेशा अपना सामान दूसरों को उठाने के लिए बोलती है, आज मैंने मेरा सामान इसे उठाने के लिए बोल दिया। सामान भी नहीं उठाएंगे तेरे। तो गाइस आप ही बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसके व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा कि अपना सामान बेचारी सानू या निशिकांत दादा या बेचारे अश्विन दादा को पकड़ने बोलती है। तो फिर मैं इसके व्लॉग देखे सोचता हूँ कि नहीं, जिस दिन हम दोनों सिर्फ साथ में रहेंगे उस दिन मेरा सब सामान इसको उठाने बोलूँगा, क्योंकि कोई अपना सामान उठाता है और कैसा लगता है तब इसको पता चलेगा। तो बताओ ये बात सही है क्या नहीं? बिट्टू तू तो ना कदीच ना उठला, समझलास ना, नाटक तो करूस नको। कदी ना उठला? अरे मुझे उठाना भी नहीं तेरा सामान, तो दूसरे को उठाने के लिए बोलती है। मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि ना अभी सानू ये सबको गुस्सा आएगा कि ये बोलेंगे कि ये खुद अभी वो मेरा सामान नहीं उठाएंगे ना, मैं सच में इसको ही हमेशा मेरे साथ लेके जाऊंगी। फिर तुझे लगता है मैं तेरा सामान उठाऊंगा? तुझे लगता है कि मैं तेरा सामान उठाऊंगा? ऐसा उठाएगा, सॉरी उठाएगा, ये सामान उठाएगा मेरा। चलो अभी हम लोग निकल गए। तेरा सीट बेल्ट लगा? ऑब्वियसली मैं तुझे पहले लावला है, मुझे इसकी जैसे आदत नहीं बिना सीट बेल्ट की गाड़ी लगाना। सॉरी मुझे ऐसी आदत नहीं है कि बिना सीट बेल्ट के बैठना, मैं तो पहले ही लगाती हूँ। पर ओहो, इसको मैंने सिखाया और मुझे बता रही। वाह, मतलब हम लोग ना लास्ट टाइम भी ना इसकी मम्मी, मैं, दीदी और हम लोग सब आ रहे थे इसके घर से, तो ये मम्मी को ऐसे बोल रहा है कि मम्मी बोल रही इसकी इसके ओ मैं कंटिन्यू करती हूँ गाइस, वेट। अरहान मलिक, डुप्लीकेट अरहान मलिक। तो इनकी 10K की पार्टी अभी तक बाकी है। तो जल्दी मिल जाएगी गाइस, टेंशन मत लो। इन्होंने जैसे कि मुझे तो दी नहीं अभी तक, मैंने बोला मैं मेरी 3 मिलियन की दे देती हूँ, पर इन्होंने बोला नहीं मैं आपका मान रखूंगा। 5 बार सूरत आ चुकी हूँ पर अभी तक 10K की पार्टी मिली ही नहीं। और क्या बोलना चाहोगे रोहित भाई, आप बोलो। हाँ, नहीं मैं तो जितना बोलूं उनके बारे में उतना कम है।
पुनीत याद आ रहा है, पुनीत शर्मा। पुनीत के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। तो हम लोगों ने वहां से चाय पी और वहां से अभी निकल गए। मैं कुछ बोल रही थी। हाँ, तो वापस टोल आया यहाँ पे, ये देख लो। ये सेकंड टोल है। ये सेकंड टोल है। हाँ, तो लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि मैं, रोहित, रोहित की मम्मी, हम लोग सब सूरत जा रहे थे। तो है ना, ये टोल जैसे अभी आपको भी पता है, ये फास्ट ट्रैक के वजह से मतलब तुरंत ऊपर जाता है। तो अभी ये रोहित की मम्मी ब्लॉग देखेगी ना तो उनको पता चलेगा, फिर तो राज पता चलेगा। तो है ना, ये मम्मी, इसकी मम्मी तो सोच रही है कि पैसे क्यों। मम्मी मुझे बोल रही थी कि बोले बंटे, मेरे को घर पे बंटे बोलते, बोले बंटे तेरे से पैसे क्यों नहीं ले रहे लोग टोल पे। बोला तू किसकी मम्मी। आपको भी पता होगा, तो फास्टैग से रुकना नहीं पड़ता है लाइन में, मतलब पैसे नहीं देने पड़ते, ऑनलाइन कट जाते अपने अकाउंट से। तो मम्मी को ये सब बातें पता नहीं थी, तो मम्मी बोल रही है मेरे लड़के सब, मेरी मम्मी सोसाइटी में जाके सबको बोल रही है हमारे से टोल नहीं लिया, वो लोग ने मेरे बंटी से टोल नहीं लेता। बाजू में बैठी थी ना, मैं बोल रही हूँ ऐसे करके, मैं तो मेरे पेट में ऐसे कुछ नहीं रहता, मैं ऐसे फूटने वाली थी। ये बता रहा था, मैंने इसको बंद ना करके रखी, इसको ना बंद करके नहीं रखा कुछ भी, ये झूठ बोल रहा है। इसने मेरे को आंख मारी, ऐसे इशारा किया, फिर मैं चुप रखी भी थी, मैंने चुप बैठ रखी भी थी, चुप बैठ चुप। अभी ना हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ना, हम लोग ना जाते जाते सिर्फ ना हमारा झगड़ा ही हो रहा है इसके वजह से। मतलब ऐसे नहीं की देसी पैसे के लिए, मुझे पहले से ही नहीं पसंद है। क्या हुआ? ये ना रोहित ना हमेशा उसके, हाँ, और एक बात मुझे बोलनी थी कि हम लोग बहुत टाइम से साथ में नहीं लग रहे हैं और आगे भी अगर नहीं लगेंगे तो गाइस प्लीज ऐसे मत सोचो कि हम दोनों का झगड़ा हुआ है। मैं बोलूंगी, तू मत बोल। ऐसे मत सोचो कि हमारा झगड़ा हुआ है। ऐसा है ना कि रोहित और मेरा झगड़ा होता ही रहता है, वो तो नई बात नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है, रुक मुझे दरवाजा बंद करने दे। पर कैसे है ना, अभी हम लोग का जैसे गाने का शूट हुआ, उसके बाद मैं गोवा गई थी ना रे, हाँ, फिर रोहित जयपुर गया था, उसके बाद मतलब हम दोनों का ना ऐसे प्लान मतलब कंटिन्यू हो ही रहा था। ट्रैवलिंग ये इधर कर रहा है, मैं इधर कर रही हूँ, वापस वो उसके काम में है, मैं उसके काम में हूँ। बहुत कम होता है कि फिर हम लोग साथ में हैं, साथ में काम करते हैं। तो आगे भी ऐसा होता रहेगा, पर हम लोग रोज फोन पे बात करते हैं, मिलते हैं। बट क्या काम की वजह से हम लोग मिल नहीं पाते ना, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम दोनों का झगड़ा हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग स्नैप पे भी बोल रहे थे रोहित भैया नीता दीदी के साथ, ये करो, और हम लोग तो बात, देखो हमारा कितना भी झगड़ा हो ना, कितना भी, हम लोग दो दिन में तो बात करते हैं, दो या एक दिन पूरा। मैं ये तो नहीं, पर मैं तो करती हूँ। तो फिर ऐसा कुछ नहीं, मत प्लीज ऐसे मत सोचो, हम लोगों की दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, और टूटेगी भी मेरे तरह से तो नहीं टूटेगी, यही झगड़ा करती रहती। यस, बस मेरी जान, यही कोई झगड़ा कर देगा नहीं, फिर तू आ जाएगी, झगड़ा कर देगा नहीं, इधर गले तो मिल, बस वो सब छोड़। आई लव यू गाइस, आई लव यू टू, आई लव यू। वहां से जूस पी के हम लोग अभी निकले, अभी लगभग 110 है मुंबई यहाँ से, 110 किलोमीटर। जूस मुझे ना ऐसा, आप मतलब मैंने आपको जैसे बोला, मुझे ऐसा स्ट्रीट खाना बहुत अच्छा लगता है यार, रास्ते में जो था वो जूस तो वो पिया, अभी मतलब फ्रेश फील हो रहा हूँ, क्योंकि अभी मतलब जब मैं जब से गाड़ी चल रहा हूँ ये ऑटोमेटिक है, तो क्या इसमें सिर्फ ये मतलब एक्सीलेटर दबाओ और ब्रेक दबाओ, एक्सीलेटर दबाओ ब्रेक दबाओ, बस दोनों को। और गियर वाले गाड़ी में होता है कि वो गियर होते हैं, फिर क्या उसमें थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, इसमें कैसा है एक ही जगह पे सब माइंड ऐसा रहता है ना, क्या बोर हो जाता है चला गया और थोड़ी नींद आती है। अभी जूस दिया, जूस बहुत अच्छा था, अभी मस्त मजा आया, अभी मस्त अभी मुझे कुछ खाना है, पर अभी इसको भूख लगी है तो इसको
कुछ देख रहे हैं इसको तो मैगडेट से पसंद है। इतना प्यार से मत बोल कि मुझे मैगडी पसंद है। और माशे क्या चल रहा है इंडिया में? इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में तो रोहित झिंझुर के चल रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं नहीं मजाक थोड़ी था, ये तो सच था। ऐसे जा रहा है जैसे कि ऑर्डर खुद ही देने वाला है। नहीं देगा तू, ये कभी खुद ऑर्डर नहीं करता, कभी बैग्स नहीं पकड़ता। अभी उधर जाके देखो इसकी मजा देखो, सिर्फ देखना अभी। क्या खाएगा तुझे पता है मैं क्या खाऊंगा? बर्गर। कौन सा? चिकन मैक्सिकन। और तू क्या खाता है वो तुझे पता है? चिकन रैप। कौन सा? चिकन स्पाइसी रैप। चिकन स्पाइसी रैप। एक चिकन स्पाइसी रैप और एक मैक चिकन मीडियम। मैक चिकन मीडियम मिल 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 में तो मैं काम करता था। तो आज जिंदगी में रोहित झिंझुर के ने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया। फिर तू सच बोल, आज तूने फर्स्ट टाइम किया कि नहीं? फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया। यस मैं सच बोल रही हूँ, रोज का तो पता नहीं आज इसको क्या हुआ है, क्या पता। ये बार बार जा रहा है, खुद ऑर्डर लेने जा रहा है। ओह माय गॉड। रियल मध्ये केवढी तयार आहे तू? रियल मध्ये काय? रियल मध्ये खूप सुंदर आणि तयार आहे तू। तो देख किसी ने मेरी तारीफ की आज। वो झूठी तारीफ कर रहे हैं। नहीं ये लोग कभी झूठी तारीफ नहीं। बहुत जरा नहीं। चल बाय। थैंक यू। और सादर होने का मत बना। हां अच्छे से करते हो तो बता। हां ये तो अच्छे से करते हो। सुनी ना मेरी तारीफ? अच्छा लगता है। आपको देखना है मेरी कौड़ी का ड्राइवर। ये है देखो ड्राइवर, ड्राइवर, ड्राइवर। Yes. एसी चालू किया आपने? Yes, ma'am. तो बैठू मैं? हाँ बैठिए मैम। ओके okay, मेरे ड्राइवर को मैं इस टाइम ठीक से पगा दूंगी क्योंकि ये अच्छा चला ले पाएगा। मैम प्लीज अपना सीट बेल्ट लगा लीजिए। ओके okay, सर आप ही लगा दो ना प्लीज यहाँ से। थैंक यू। वाओ लग गया, कितना अच्छा ड्राइवर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी खाना खा लिया है और जैसे कि अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, तो रोहित को रात को एक काम है तो रोहित वहाँ पे जाएगा और yes. अभी हाँ गाड़ी लेके जाएगा ना आज? यस आज ये मुंबई में घूमेगा रात को गाड़ी लेके, फर्स्ट टाइम। उसको पसंद है मतलब अकेले ऐसे, वो कभी भी मुंबई आता है तो उसको ऐसा रहता है कि मेरी वो खुश रहती है कि मुझे ऐसे अकेला घूमना है, अकेले अपने मतलब कार में मुझे ऐसे अकेले रहना। अगर मेरी कार होती तो मैं अकेले अपनी कार लेके घूमता, बट नीता की भी कार है तो मैंने उससे मैंने पहले पहले मैंने उससे क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको पूछा। मैंने पहले उसको पूछा, पहले उसको बोला कि मैं तेरी क्या मैडम मैं आपकी कार ले जा सकता हूँ? बोली ले जाइए मेरी कार फ्री है। तो फिर मैंने सोचा इनकी कार लेके चले और मुंबई घुमा जाए। तो आज रात को मुंबई में ऐसा बोलते हैं कि नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, जो भी मिलता है मेरा फ्रेंड वही बोलता है भाई तो मुंबई में नाइट लाइफ थोड़ी एंजॉय कर। और ये सिर दर्द वापस मुझे कल मिलेगा। हाँ कल इसको वापस मिलेंगे क्योंकि मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो ये मुझे बहुत याद। कौन बोला कौन बोला?
बिट्टू बग मैं नेक्स्ट टाइम भेटना ना मैं तुला, पहले बोल सगळ्यांसमोर की ये मुझे बहुत टाइम के बाद मिलती है तो फिर मुझे याद आती है, बोल। बहुत दिन के बाद मिलती फिर मुझे याद आती है, 20 दिनों के बाद बहुत दिन हो जाता है तो तू मुझे याद आती है ऐसा, क्योंकि इसका दिमाग कोई खाता नहीं है। ये मुझे पता नहीं कि ये मुझे क्यों याद करता है, मुझे सच में पता है क्योंकि ना इसके हाथ है ना, हाथ ऐसे ना ये किसी को मार नहीं सकता, तो इसको ऐसा ना कि मुझे कितना दो कितना मेरा दिमाग खाऊ और इसकी सब बातें सुनती हूँ ना मैं, उठो उठ बैठो बैठ, मतलब ये ऐसे मेरी हर जिद पूरी करती है। तो मेरी गलती यही है, पर कोई नहीं, मेरे लाइफ में भी ऐसा दोस्त फर्स्ट टाइम आया तो चलो कोई नहीं, अपने भी दिन आएंगे, इसको मैं नचाऊंगी बहुत ज्यादा नचाऊंगी। सपने देख सिर्फ सपने देख, सपने मैं जो भी देखूंगी सपना वो मेरा दोस्त पूरा कर लेगा, मुझे पता है। चेंज हो चुका है, मुंबई में आ गए हम लोग, एंटर हो गए, बट अभी मुंबई आएगी ट्रैफिक और ट्रैफिक में मैं और चिढ़ूंगा गाड़ी चलाते चलाते। तो मैंने बोला इसको, तो मैंने इसको बोला कि तू ही गाड़ी चला ले और यहाँ से आगे तू ही लेके चल, क्योंकि ये भी अभी अच्छे ड्राइवर बन चुकी है। इतनी भी अच्छी नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं, पर चला लेते अच्छी गाड़ी, देख रहा हूँ मैं इसकी गाड़ी अच्छा चला, तो कुछ नहीं, इसलिए मैंने इसको बोला कि तू अभी गाड़ी चला ले, मैं अभी थोड़ा रेस्ट करूंगा। हाँ अभी 30 मिनट्स में हम लोग पहुंच जाएंगे, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। So, finally we reached. तो हम लोग अभी पहुंच गए, मैं अभी आराम करने वाला था बट मुझे किसी काम से, जो नीता ने आपको बोला था कि मुझे शाम को किधर बाहर जाना है, तो अभी मैं निकल रहा हूँ थोड़ा बाहर, आरपी इधर आ गया है, तो आरपी आ गया है, फिर मैं और आरपी यहाँ से निकले। और ये व्लॉग तो हम लोगों ने जस्ट ऐसे ही बनाया था क्योंकि आप लोगों से बातें करने के लिए और ये बताने के लिए कि हम लोगों का झगड़ा नहीं हुआ है। एंड हाँ, ये व्लॉग इसलिए भी बनाया क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं, मतलब एक बार मैं लेके गया अपनी मम्मी दीदी नीता, हाँ तो हम लोग मतलब एक बार मैं मुंबई से सूरत लेके गया, बट आज हम दोनों ही थे सिर्फ, और सूरत से बॉम्बे आए, अच्छा लगा बहुत, मतलब मजा आया। हाँ मतलब प्यार से बातें से ज्यादा झगड़ा ज्यादा हुआ, प्यार से बातें हमारी खासियत है ज्यादा, बट वही है हमारी पहचान, पता नहीं दोस्ती कब तक टिकती है, पर देखेंगे देखते हैं। थोड़ी देर पहले तो इसने बोला था कि मैं तो टिकाऊंगा, इसका तो पता नहीं, दुआ कर रहा हूँ कि ये फ्रेंडशिप टिके किसके तरफ से वो भी पता, दोनों की तरफ से नहीं बिट्टू तेरे तरफ, मेरी तरफ से, क्योंकि मैं बहुत झगड़ालू एक नंबर का इसलिए, बट एनीवे हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, है कि नहीं, टाइम के हिसाब से सब ठीक हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी आप लोगों ने जैसे बोला कि हम लोग ट्रैवल ब्लॉग करें, तो हाँ करेंगे, अभी फिलहाल तो जल्दी नहीं, पर हम लोग कुछ अच्छा करने वाले हैं जो आपके लिए भी अच्छा होगा और सरप्राइजिंग होगा, तो वो ब्लॉग 1-2 महीने में आ जाएगा, जल्दी तो नहीं जल्दी, क्योंकि अभी इसका भी काम है मेरा भी काम है, तो अभी फिलहाल आप हम दोनों के अलग अलग ब्लॉग्स देखोगे, पर जरूर हम लोग जल्दी कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, यस। So, ready रहना and thank you so much यहाँ तक vlog देखने के लिए, ऐसे ही प्यार देते रहना, ऐसे ही साथ रहना, और comment section में बताना आपको vlog कैसा लगा, और मुस्कुराते रहिए, do share, और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और खुश रहिए, और मुझे बहुत सारा प्यार कीजिए, और इसको भी, ये बंदर को भी, तेरे से ज्यादा मुझसे प्यार।